बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम वालेकुम नाजरीन मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर ना आज के, के इस में दो अहम ख़बरें हैं बड़ी ख़बरें हैं और मुस्ंद ख़बरें हैं कि इसमें आज के इस विलाग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सबसे पहली ख़बर तो ये है कि नवाज़ लीग की जानब से फ़ौज को एक बड़ी ऑफ़र दे दी गई है वो ऑफ़र क्या है और ये जो ऑफ़र है वो हकूमत गिराने के हवाले से है आखिर ये ऑफ़र है क्या किसने ये ऑफ़र दी और किस तरह से ये ऑफ़र दी गई इस हवाले से तमाम तिटेल्स जो है वो आपकी खदमत में हम पेश करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पी पी अड़तीस सियालकोट जहाँ पर दो हज़ार अठारह में मुस्लिम लीग नून जीती थी लेकिन उनके कारकुन के इंतकाल के बाद वहाँ पर आप दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं हल्के की क्या सिचुएशन है वहाँ पर सूरत हाल कैसे यकसर जो है वो तब्दील हो चुकी है कौन जो है वो जीतेगा क्या फिगर्स हैं गुज्त एलेक्शन की भी और अभी मौजूदा जो है वो हालात क्या हैं वहाँ के कैडिनेट्स कौन कौन वहाँ पर खड़े हुए हैं इस हवाले से भी अहम तरीन डिटेल्स जो हैं अहम तरीन ख़बरें जो है वो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे सबसे पहले नाजरीन पी पी अड़तीस सियालकोट के हवाले से ही मैं बात करता हूँ और कुछ अहम डिटेल्स जो है वो आपकी आपको में कुछ अहम फिगर्स जो हैं वो आपको मैं देता चलूँ फिर उसके बाद जो नवाज लीग की ऑफर है उस हवाले से भी आपको डिटेल्स बताऊँगा तो नाजिन पी पी अड़तीस जो है पी पी अड़तीस में इस मरतबा जो ओवरऑल इलेक्शंस की सूरत हाल देखी जाए 2008 में देखा जाए 2013 में देखा जाए या 2018 में देखा जाए तो जो कंपटीशन एक रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान रहा है आठ में तो खैर नहीं लेकिन तेरह और अठारह जो है वो इम्पोर्टेंट थे अच्छा तो यहाँ पर इस मरतबा भी पी टी आई के केसर इकबाल साहब जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जबकि मुस्लिम लीग नून की जानब से तारिक सुबहानी जो हैं वो इस मरतबा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं <coughs> माफ़ कीजिएगा अच्छा तारिक सुबहानी ने जो है वो 2013 में वो एम भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ़ से भी इसी हलके में ही उन्होंने जो इलेक्शन है वो जीता था बहरहाल 2018 के हवाले से अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊँ तो 2018 में चौधरी कोसर अख्तर साहब थे उन्होंने सतावन हज़ार छः सौ छत्तीस वोट हासिल करके ये इलेक्शन जीता था और ये मुस्लिम लीग नून की जानब से कॉन्टेस्ट कर रहे थे जबकि पी टी आई के सईद अहमद जो हैं उन्होंने चालीस हज़ार पाँच सौ पचहत्तर वोट हासिल किए थे इसके अलावा तारिक सुबहानी जो हैं उन जो कि इस मतबा मुस्लिम लीग नून की जानवर से इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें बड़ी खौफनाक शिकस्त बड़ी भयानक शिकस्त हुई थी वो इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ छह सौ सैंतीस वोट जो है आ, वो हासिल किए थे अंदाज़ा लगाए नाजरीन कि ये जो हल्का है इस हल्के में तकरीबन साढ़े तीन लाख की आबादी है और इस साढ़े तीन लाख की आबादी में जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो दो लाख और आठ हज़ार के आ, आ, के करीब हैं और दो लाख वोटों में से जो मुस्लिम लीग नून के जो इस मरतबा के कॉन्टेस्टर हैं जो इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ छः सौ और सैंतीस वोट जो है वो हासिल हुए थे जबकि इस मरतबा उन्हें जो है वो मुस्लिम लीग नून ने टिकट दे दिया है तो ये नाजिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि छः सौ सैंतीस वोट हासिल करने वाला इस मरतबा मुस्लिम लीग नून पर आ, की तरफ से जो है वो इलेक्शन लड़ेगा और कितना वो कामयाब होता है मुस्लिम लीग नून की टिकट पर यह बड़ा अहम सवालिया निशान होगा क्योंकि पी टी आई की जानब से भी गुजशत इलेक्शन दो हज़ार अठारह में इसी हल्के में चालीस हज़ार से जायद वोट जो है वो हासिल किए गए और तकरीबन सत्रह हज़ार के करीब ये मार्जन था जो कि मुस्लिम लीग नून इस हल्के से जीती और ये जो हल्का रहा है ये थ्रू आउट मुस्लिम लीग नून का ही रहा है यानी कि दो हज़ार तेरह में भी मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती थी और दो हज़ार अठारह में भी मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ से जीती थी तो इस मरतबा ये जो बाई इलेक्शन और ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें जो है वो एक बड़ा अपसेट देखने को हमें आ, मिल सकता है क्योंकि जो तारिक सुबहानी साहब हैं उनके सिर्फ और सिर्फ छः सौ सैंतीस वोट थे यानी कि किस तरह से दो हज़ार अठारह में उन्होंने उन्हें अवाम ने रिजेक्ट किया और अब मुस्लिम लीग नून ने जो है वो इन्हें टिकट दिया है बड़ा टफ़ मुकाबला रहेगा लेकिन अगर यहाँ से मुस्लिम लीग नून दोबारा जीती भी है तो ये किसी तरह से भी कोई अपसेट नहीं होगा क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ये हल्का रहा है और थ्रू आउट वही वो जीतती आ रही है लेकिन एक टफ कंपटीशन होगा और ज्यादा जो चांसेस है वो पीटीआई के ही हैं क्योंकि पीटीआई ने गुजशत इंतबाब में जहाँ पर मुस्लिम लीग नून को कोई भी टफ़ टाइम नहीं दे रहा था इवन के पीपल्स पार्टी ने भी इसे इस हलके में टफ़ टाइम नहीं दिया ये एक यक यहाँ पर मुकाबला ही रहता था तो पीटीआई ने बड़ा यहाँ पर मुकाबला किया और चालीस हज़ार से ज़ायद वोट जो हैं वो हासिल किए और इस मरतबा पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी टफ़ हैं कैसर इकबाल साहब और ये उनको एक तो ये उनको फ़ायदा होगा कि पी की जानेब से बड़े अच्छे वोट जो हैं वो हासिल किए गए थे दो में और इस मतबा जो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उन्हें जो है वो 2018 में वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे तो और सिर्फ छः वोट जो है वो उन्हें मिले थे यानी कि ने उन्हें उन्हें जो है वो टोटली मुस्रद किया था तो उस बंदे को टिकट देना ओबियसली ये एक सवालिया निशान भी होगा कि इस मरतबा इलेक्शन में जो है वो क्या वो सही तरह से कॉन्टेस्ट कर पाएगा या वो ये इलेक्शन जो है वो जीत पाएगा बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर इस मरतबा इस इलेक्शन में मेरे नज़दीक वो फेवरेट रहेगी और उसकी फिगर्स के साथ मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो रिजेक्ट हुए हैं 2018 में जो इलेक्शन का शेड्यूल है उस हवाले से भी एक दो डिटेल्स बता दूँ फिर उसके बाद नवाज़ लीग के ऊपर आता हूँ कि कैसे उन्होंने ऑफर की तो अट्ठाईस जुलाई को नाजरीन इलेक्शन शेड्यूल हुआ है अट्ठाईस जुलाई को यहाँ पर इलेक्शन होगा पेपर्स जो है वो जमा करा दिए गए हैं और इस वक्त स्क्रूटनी का जो अमल है वो जारी है अट्ठारह तारीख तक स्क्रूटनी रहेगी और यकम जुलाई को जो सिम हैं, वो तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्हें अलॉट कर दिए जाएंगे ना सिर मुस्लिम लीग नवाज़ की जानवर तो से एक इशारा एक बड़ी ऑफर जो है, वो को की गई है और वो ऑफर किस तरह से की गई है वो ऐसे की गई कि अभी जो बजट पी टी आई हुकूमत की जानब से पेश किया गया तो उस पर एहसन इकबाल ने तनकीद करते हुए हालांकि बड़ा जबरदस्त यह बजट था तनकीद करते हुए एक ट्वीट की वह ट्वीट क्या है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ उसके जो अल्फाज हैं वो आपने गौर से सुनने और उसके अल्फाज पर आपने गौर करना है तो ऐसे इकबाल साहब ये ट्वीट करते हैं कि पीटीआई के तीन साल से हमारा दिफाई बजट मुंजमद है जबकि हमसाया मुल्क ने इसमें इसी दौरान बासठ फ़ीसद इजाफा कर लिया है मुस्लिम लीग नून ने पहले तीन सालों में मुश्किल हालात के बावजूद दिफाई बजट में चालीस फ़ीसद इजाफा किया था नाहल हुक्मरान आवाम और सलामती दोनों के लिए वाल जान साबित हो रहा है यानी कि ये यहाँ पर फौज से ये कहना चाह रहे हैं कि देखें आपका बजट जो है वो पी टी आई हुकूमत की जानब से वो कम कर दिया गया है और ये इल्ज़ाम भी लगाते रहे हैं कि इमरान ख़ान को जो है वो शायद फ़ौज जो है वो लेकर आई है हालाँकि ये जो बार बार ये बात जो कहते रहे हैं कि इमरान ख़ान सेलेक्टेड हैं आज इन्होंने अपनी उस सिलेक्टेड वाली बात की खुद ही नफ़ी कर दी है अगर इमरान खान सेलेक्टेड है और अगर फ़ौज इमरान ख़ान को लेकर आई है तो कैसे हो सकता है कि फ़ौज का बजट जो है वो इमरान खान कम कर दें और आप जो है वो फ़ौज इस हवाले से जो है वो अगर उनके कंट्रोल में और वो ऐसा जो है वो होने दें तो ये दूसरी तरफ एक तीली लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब फ़ौज को और उन्हें ये कह भी रहे हैं कि देखें इस हकूमत ने तो आपके बजट कम कर दिए आप इस हकूत को फारिग करें हमें लेकर कर आएँ हमने मुश्किल हालात में भी आपका बजट जो है वो ज्यादा रखा था और आइंदा भी हम बजट जो है वो आपका ज्यादा रखेंगे हालांकि नाजरीन परसेंटेज वाइज ये चीज़ें दिखा रहे हैं हालांकि अगर देखा जाए तो बारह सौ समथिंग बजट लास्ट उसमें था और तेरह सौ समथिंग बजट जो है वो अभी इन इस बजट में फ़ौज के लिए रखा गया और और ये बड़ा ज़बरदस्त इस दफा बजट को मैनेज किया गया और बड़ा अच्छा फौज को जो है वो इस मरतबा भी बजट दिया गया और इसके ऊपर किसी तरह से भी ना फौज की तरफ से तनकीद है ना और किसी तरह से तनकीद है लेकिन एस एन इकबाल साहब जो हैं वो ये बार बार फौज को ऑफर हैं कि नहीं आप हमें लेकर आएं और अपनी ही जो बात है जो अपना ही इनका बयानिया है सिलेक्टेड वाला आज ये खुद उसकी नफी कर रहे हैं इसके अलावा एक और ट्वीट भी इन्होंने की है वह ट्वीट किया वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ यह कहते हैं जी कि मुल्क को तरक्की तरक्की और दिफा की यकसा जरूरत होती है मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को तारीखी तरक्याती और दफाही बजट देकर मुल्क को मजबूत बुनियादें दी मुस्तकम सियासी मजबूत मीशत देती है और मजबूत मीशत मजबूत दिफा की ज्यादा है मुस्लिम लीग नून सियासत में फौज की मुदाखलत के खिलाफ है लेकिन दिफाए पाकिस्तान के तकाजों से गाफिल नहीं तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान ने क्या किया इमरान खान से बढ़कर दिफा जो है वो किसने किया आपने देखा आलमी लेवल पर किस तरह से अमरीका के जो जब किसी भी सेक्रेटरी की कॉल आती थी तो मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो खड़े हो जाते थे और नीचे उनके लगे हुए थे लेकिन इमरान खान ही हैं जिन्होंने अमरीका को भी एक बराबरी के लेवल पर मुजाकर करने या बातचीत करने पर जो है वो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब बराबरी की सतह पर बातचीत करेगा सऊदी अरब के साथ भी ऐसा ही किया सऊदी अरब भी अब बराबरी की सतह पर पाकिस्तान से बात कर रहा है ये वो लोग थे जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान को जो है वो बदनामी का बायस बने थे और इसके अलावा नवाज़ लीग ये, ये भी नवाजली कहती रही है कि उन्हें हकूमत क्योंकि उन्होंने फौज का जो बजट है वो फौज के मुताबिक तो तो को सही करने की कोशिश कर रहा है और आप जो खुद ही एल्जाम लगाते थे कि वह सेलेक्टेड है वो सिलेक्टेड है तो फिर आज फौज जो है वह क्यों नहीं उनको निकालती अगर बजट जो है वो कम हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है नाजरीन यह सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है यह सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगढ़ गेंडा है और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस हद तक गिर चुकी है कि वो अब इस तरह के घटिए प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे हैं और इनडायरेक्टली ये ऑफ़र दे रहे हैं कि नहीं जी आप उसकी खान साहब की हुकूमत को गिराएं और हम आपको ये करेंगे और हम आपको वो करेंगे याद रखें नाजरीन के फौज और हुकूमत इस्टेबलिशमेंट हुकूमत जो है वो दोनों सेम पेज पर है और मुल्क जो है वो अब सही डायरेक्शन में आ, आ, सही डायरेक्शन की तरफ गामजन हो चुका है और नतज जो है वो आपके सामने हैं कैसे जी टी पी ग्रोथ में जो है वो इजाफा हुआ और आइंदा साल भी इसमें जो टारगेट रखा गया है वो भी कई गुना इससे ज़्यादा और ये ये वाला बजट देखें आप तो ये भी बहुत एक बड़ा ज़बरदस्त बजट है और मुस्लिम लीग नवाज को यही तकलीफ़ है कि जिस तेज़ी से इमरान खान जो है वो चीज़ों को दुरसिमत में लेकर जाता रह, जा रहा है ये मुस्लिम लीग नवाज जो है वो ऑलरेडी दो हज़ार अठारह में रिजेक्ट हुई है तो दो 2023 में ये टोटली रिजेक्ट हो जाएगी और जो एक सूबे में इनकी थोड़ी बहुत अक्सरियत है भी तो वो भी इनसे चली जाएगी तो इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ अपने झाती मफाद के लिए ये तमाम तर चीजें जो है वो कर रहे हैं न सिन अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा आज के विल में इतना ही मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफि